नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे सीट मेटल में जो अगला मतलब उससे आगे दूसरा वीडियो है, सीट मेटल का पार्ट टू है ना। तो आइए शुरू करते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं हैंड लीवर शीयर के बारे में, ठीक है, जिसका चित्र में देख रहे हैं। ये जो है, ये मशीन जो आप देख रहे हैं, ये हैंड लीवर सीयर है, हाथ से चलाई जाती है। देखो, इसमें ये लीवर रखा हुआ है जो हाथ से ऑपरेटेड होता है ना। ये ऊपर का ब्लेड है, उसके बाद ये नीचे का ब्लेड हो, दो ब्लेड होते हैं इसमें है ना, अपर और लोअर ब्लेड। लोअर ब्लेड आपका जो है फिक्स रहता है, अपर ब्लेड को हम लीवर द्वारा ऊपर नीचे करते हैं है ना। बॉडी है ये, क्लैंपिंग डिवाइस है, और ये जॉ हमारा है, रख के इसको काटते हैं। तो ये मशीन जो है एक हैंड ऑपरेटेड मशीन है, और ये जो सीट को काटती है उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 3 मिलीमीटर है ना। कितनी होनी चाहिए, 3 मिलीमीटर तक। तो ये 3 मिलीमीटर तक थिकनेस, अप टू 3 मिलीमीटर थिकनेस तक की प्लेटों को काट सकती है। अगर SWG में देखें तो वो 10 SWG, मतलब ये स्टैंडर्ड वायर गेज होता है ना, जिससे हम सीट की थिकनेस मापते हैं है ना। उसमें 10 SWG और 3 मिलीमीटर तक मोटाई की सीटें इससे काटी जा सकती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा धातु होती है वो शियरिंग फोर्स से रिलेटेड होती है, यानी कि कर्तन बल उसमें लगता है ना, तभी तो वो कटती है। तो इसमें मेटल जो है वो शियरिंग फोर्स से जुड़ा होता है, सब्जेक्टेड टू शियरिंग फोर्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे है ना। इसमें क्या है, जो ब्लेड है ये ऊपर का ब्लेड है, ये नीचे का ब्लेड है, ठीक है। सब में हमें 3 फिगर दिखाए रखे हैं, एक दूसरा और तीसरा, तीनों के बारे में हम बात करेंगे। इसमें क्या होता है, दोनों ब्लेडों के बीच में क्लियरेंस होना चाहिए। अगर प्रॉपर क्लियरेंस नहीं है तो हमारी जो सीट कटिंग होगी वो ख़राब होगी या सही नहीं होगी जैसा हम चाहते हैं है ना। तो ब्लेड क्लियरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द थिकनेस टू बी कट एंड शुड सूट द पर्टिकुलर मेटल। इसमें कह रहा है उस धातु के अनुसार जिसको हम काट रहे हैं, जो क्लियरेंस है, जो ये आप बीच में गैपिंग देख रहे हैं ये है ना, ये गैपिंग आप देख रहे हैं दोनों ब्लेडों के बीच में, इसको क्लियरेंस बोलते हैं, ब्लेड क्लियरेंस। ये कितना होना चाहिए, जो हमारी प्लेट काटी जाने वाली प्लेट है, मान लीजिए थिकनेस है काटी जाने वाली प्लेट की, इसके 10% के बराबर होना चाहिए। मान लीजिए अगर हम 10 mm की प्लेट काट रहे हैं तो इनके बीच में थिकनेस कितना होना चाहिए, 1 mm, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, आप चित्र से देखो, इसको बड़ा कर दिया मैंने। हाँ, अगर हमारा क्लियरेंस अधिक होगा, 1-10% से अधिक होगा, ये टू मच क्लियरेंस अधिक हो गया, तो क्या होगा, हमारी जो कटिंग एज है वो जो का जिस सीट को हमने काटा है वो ऐसी बनेगी, मतलब ख़राब बनेगी, ठीक है। और अगर कोई क्लियरेंस नहीं देंगे हम तो फिर ये राउंड शेप में बनेगी, ठीक है। और सही क्लियरेंस देंगे, यानी कि 10% क्लियरेंस देंगे काटे जाने दांत की थिकनेस का, तो हमारी बिल्कुल अच्छी सरफेस बनेगी कटिंग की, ठीक है। रैक एंगल कहाँ बनता है ये देख लीजिए आप, ठीक है। ये इसका रैक एंगल है ब्लेड का, सेम ऊपर और नीचे सेम तरीके से होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। SWG, जैसा कि हम बात कर रहे थे स्टैंडर्ड वायर गेज में, सीट की थिकनेस कैसे मापते हैं, इसमें क्या आता है, वायर डायमीटर इज चेक्ड बाय इंसर्टिंग द वायर ओनली इन द स्लॉट एंड नॉट इन द सर्किल। चित्र में आप देख रहे हैं, जब हम चेक करते हैं वायर का डायमीटर, तो हम जो स्लॉट बने हुए हैं, इन गोलों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इन स्लॉट की बात कर रहा हूँ, इन स्लॉट में डाल के उसका वायर का डाया चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इन गोलों में घुसा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। ये हम बात कर, ये देख रहे हैं आप ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर में क्या होता है, एक्यूरेसी कैसे मेजर करता है, एक्यूरेसी ट्राई स्क्वायर कितनी होती है,
0.002 mm पर 10 mm लेंथ, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये नीचे वाला हिस्सा मोटा हिस्सा इसको स्टॉक बोलते हैं, ये पतला वाला हिस्सा ऊपर इसको ब्लेड बोलते हैं, ये स्ट्रेट एज है हमारी, है ना। और उसके बाद में यहाँ पे एक स्लॉट दे रखा होता है, इसको बर स्लॉट बोलते हैं, ताकि अगर जब हम उससे चेक करते हैं तो जो बर हमारी हैं इसमें स्थान पाएँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम स्ट्रेट एज की बात करते हैं। जब हम स्ट्रेट एज से मार्किंग करते हैं, है ना, तो उस मार्किंग के दौरान क्या करना चाहिए, सीट और स्ट्रेट एज को लेफ्ट हैंड से पकड़ना चाहिए, होल्ड इट बाय लेफ्ट हैंड। सीट पे हम जब स्ट्रेट एज से मार्किंग करते हैं तो उन दोनों को हमें लेफ्ट हैंड से पकड़ना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्क्राइबर की। स्क्राइबर जो होता है, स्क्राइबर या स्क्रैच ऑल, ये हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं और इनका डाया जो है 3 से 5 mm होता है और एक सिरे का एंगल जहाँ से हम खरोंचते हैं वो 10 to 20 degree होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ अब हम बात करते हैं हैमर की, ठीक है। हैमर की बात करते हैं, हैमर का फेस जो होता है, हथौड़ा तो आपने सबने देखा होगा, हैमर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, बाल पिन, क्रॉस पिन, स्लेज, दुनिया भर के, ठीक है। तो इसके फेस की बात करते हैं, फेस जो होगा उसको स्ट्राइकिंग पोर्शन बोलते हैं, वहीं से हम ठुकाई कर ठोकते हैं, मतलब किसी चीज़ को कील है या कोई भी चीज़ है स्ट्राइक करते हैं। वो क्या होता है, स्लाइटली कॉन्वेक्स होता है ना, थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। क्यों उभरा हुआ होता है, स्लाइट कॉन्वेक्स इज गिवन टू अवॉइड द डिगिंग ऑफ द एजेस, ठीक है, हमारे किनारे से खुदाई ना हो, है ना, इसको रोकने के लिए जिसको स्लाइटली कॉन्वेक्स करते हैं, थोड़ा उत्तल रखते हैं, ठीक है। और क्या होता है, फेस और पीन, जो हमारे पीन है, जैसे बाल पीन है, हमारे क्रॉस पीन, वो पीन और फेस दोनों हार्ड होते हैं, है ना। आगे देखते हैं हम चीक, चीक जो होता है, द चीक इज़ द मिडिल पोर्शन ऑफ द हेड, हेड के बीच वाला हिस्सा जो है वो चीक कहलाता है, ठीक है। और जो हैमर का वेट होता है, कितने ग्राम का हैमर है, 250 ग्राम का है, 125 ग्राम का है, 1 kg का है, तो वो चीक पर ही स्टैम्प्ड होता है, खुदा हुआ होता है ना। और हैमर का दिस पोर्शन ऑफ द हैमर हेड इज सॉफ्ट, लेफ्ट सॉफ्ट, चीक पोर्शन जो होता है हमेशा सॉफ्ट यानी कि मुलायम छोड़ा जाता है, इसको हार्ड नहीं करते हैं, बल्कि फेस और पीन को हार्ड करते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा पीन है ना, बाल पीन, क्रॉस पीन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, और ये चीक है, यहीं पर हमारा वजन जो वेट होता है वो स्टैम्प्ड होता है, ये फेस है और ये हमारा हैंडल है ना। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये आई होल है ना, इसी में आप वेद लगाते हैं, इसको हम खपच्ची बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 250 ग्राम बाल पिन हैमर इज यूज फॉर मार्किंग पर्पस, मार्किंग के लिए कितने ग्राम का हैमर यूज करेंगे, 250 ग्राम का, ठीक है। फॉर द करेक्ट लोकेशन एंड सीटिंग ऑफ द डिवाइडर लेग, हम डिवाइडर की बात करते हैं, डिवाइडर की जो लेग होती हैं उनकी प्रॉपर सीटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिक पंच यू से पहले मार्किंग करते हैं, और प्रिक पंच कौन सा, 30 degree वाला यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। डिवाइडर की लेग के लिए हम प्रिक पंच यूज़ करते हैं और 30 degree वाला, और जबकि विंग कंपास की लेग, विंग कंपास होता है, एक प्रकार कंपास होता है, उस कंपास की लेग के लिए हम 60 degree का डॉट पंच यूज़ करते हैं, मार्क करते हैं, गड्ढा उससे बनाते हैं, ताकि हमारी जो पॉइंट है वो उसमें स्थिर रह सके और हम कोई गोला खींच सकें, ठीक है, कोई सर्कल खींच सके, ये ध्यान रखिए आप लोग, और डाउट हो जाता है कोई दिक्कत नहीं। डिवाइडर लेग के लिए हम क्या 30 degree वाला पंच यूज़ करेंगे, जिसे प्रिक पंच बोलते हैं, विंग कंपास के लिए हम 60 degree का डॉट पंच यूज़ करेंगे मार्किंग के लिए, ठीक है, जो हम पंचिंग करते हैं वो। आगे बढ़ते हैं, जब हम डिवाइडर हो या फिर विंग कंपास हो, कोई भी हो, उसके किनारे हम उसकी जो पॉइंट होता है लेग के आगे जो पॉइंट होता है वो घिस जाता है धीरे धीरे कभी कभी, तो उसको फिर से हमें शार्प करना पड़ता है, तो
पॉइंट की शार्पनिंग के लिए हमें ऑयल स्टोन का यूज़ करना है। किसका? तैली पत्थर, इसको हिंदी में बोलते हैं, लेकिन ऑयल स्टोन याद करना सबसे सही रहता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्ट्रेट स्निप है। ठीक है, स्ट्रेट स्निप में देख इसको आप देख रहे हैं, इसमें ब्लेड है, ये ब्लेड है। ठीक है, ओवरऑल लेंथ हमारी यहाँ से यहाँ तक मापी जाती है ना। ये दोनों हैंडल हैं, ये स्टॉपर है ताकि हमारी उंगली इसमें फंसे ना इस तरीके से, है ना। ये पिवेट है, इसकी वजह से इसको हम मतलब दोनों ब्लेडों को आपस में जोड़ते हैं। ये फेस है ब्लेड का। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये जो हमारी स्ट्रेट स्निप है, ठीक है, इसको हैंड सीयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंड सीयर। और ये क्या होता है, इससे हम 20 SWG 20 स्टैंडर्ड वायर गेज तक की सीट को हम काट सकते हैं, अप टू, ठीक है, इससे ऊपर नहीं, यहाँ तक की हम हैंड सीयर से हम काट सकते हैं। ठीक है, इसका एक एंगल भी होता है, वो कटिंग एंगल होता है, उसके बारे में देख लेते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं, काफ़ी क्लियर आपको दिख रहा होगा कि कटिंग एज, इसमें कटिंग एंगल है ना, किसी भी कोई भी सीयर हो जिससे हम सीट काटते हैं, सबका कटिंग एंगल कितना होता है? 87 डिग्री। ठीक है, कहाँ होता है? इस तरीके से आप देखिए, यहाँ पे चित्र में आपको तो क्लियर दिख रहा होगा, इसमें विशेष कोई समझाने वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे आप देख रहे हैं, एक हमारी और स्निप होती है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन सीयर, है ना, यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन सीयर, या फिर हम उसको बोलते हैं गिल्बो सीयर, ये उसका दूसरा नाम है। ये हो सकता है पूछ दे कि मैंने इसलिए डाल दिया। ठीक है, इसमें मेन इसका वो क्या होता है, इसके जो फेस होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट रखे जाते हैं, ये बात ध्यान रखिए आप। ठीक है, अभी आप देखिए, इसके फेस जो होते हैं, है ना, थोड़े से कुछ एंगल दे रखा होता है, थोड़ा उभरे होते हैं, लेकिन इसमें आप जो यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन सीयर है, इसके फेस बिल्कुल फ्लैट होते हैं। ठीक है, तो हालांकि ये चित्र जो देख रहे हैं ये इसका नहीं है, ये दूसरा है, इसको मैं समझाऊंगा। ठीक है, ये तो आपका हो गया। अब ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये है स्कॉच सीयर्स, इसको बोलते हैं, इसका नाम है स्कॉच सीयर्स, स्कॉच कैंची जिसे बोलते हैं। इसका चित्र आप देख लीजिए, इस तरीके से दे रखा है ना, इसमें आई होल जैसे यहाँ पे ये दे रखे हैं, इनसे हम पकड़ के इससे सीयरिंग करते हैं, ग्रिप के लिए होते हैं। और इसका एक फ़ायदा ये है कि इसको टिन मैन सीयर जैसे यूज़ कर सकते हैं। टिन मैन कैंची एक होती है, टिन मैन है ना, साधारण कैंची होती है, उसकी तरीके से इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अगले आप जो चित्र देख रहे हैं, ये है ब्लॉक सीयर्स, है ना, इसका हम मास प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, इसका एक हैंडल तो लंबा होता है, लेकिन नीचे वाला दूसरा हैंडल जो होता है ये डाउनवर्ड बेंड होता है, नीचे की ओर बेंड होता है। आप देख रहे हैं नीचे की ओर बेंड है ये, ठीक है, ये नीचे की ओर बेंड है, तो इसलिए इसका यूज़ जो है मास प्रोडक्शन में करते हैं। और जब भी इससे हम कटिंग करते हैं तो इसको हम इस हिस्से को हम फर्श पे टिका लेते हैं और इस हिस्से पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो हमारा काम इजीली हो जाता है, तो इसलिए इसको मास प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। अगली हमारी जो सीयर है वो हमारी रोडेस सीयर है ना। इसमें क्या होता है, इसमें एक जैसे जो सामान्य कैंची होती है, इसमें ऊपर की टांग जो होती है वो लंबी होती है, नीचे की छोटी होती है ना। जैसे इसमें आपने देखा ऊपर की टांग लंबी है ना, ऊपर की टांग इसमें लंबी है, नीचे की मुड़ी हुई है, लेकिन
रॉडस शीयर में क्या होता है, नीचे की ये हिस्सा नहीं होता है ना, ये हिस्सा नहीं होता है बस। हाँ, ये अगर ये ऐसे कैंची है तो आप रॉडस शीयर उसको बोल सकते हैं, ठीक है। शायद इसका चित्र अगर है तो हाँ आपको दिखाते हैं, ये देखिए चित्र आप देख रहे हैं, ये उसी शीयर का है ना। इसमें एक इसकी एक हैंडल जो है बड़ा होता है, एक छोटा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो छोटा वाला हैंडल होता है, शॉर्ट हैंडल इज टू बी प्रेस्ड बाय द राइट लेग ऑफ द वर्कर। जो छोटा हैंडल है वो दाहिनी दाहिने पैर द्वारा प्रेस किया जाता है वर्कर द्वारा, और दूसरा हैंडल जो है शुड बी हेल्ड बाय द राइट हैंड। दाहिने हाथ से बड़ा वाला हिस्सा पकड़ा जाता है और दाहिनी टांग से ही, दाहिने पैर से ही छोटे वाले हिस्से को प्रेस किया जाता है ना। इट इज़ यूज टू कट लेंदी सीट, लंबी सीट को काटने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ये ध्यान रखिए आप, रॉडस शीयर जो है इसका यूज़ लंबी सीटों को काटने के लिए हम करते हैं। चित्र तो आप देख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। ये हॉक बिल्ड शीयर है, ठीक है। हॉक बिल्ड शीयर चित्र में आप देख रहे हैं, इसका यूज़ करते हैं इंस्ट्रिक्ट वर्क के लिए करते हैं, मतलब इनसाइड कटिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं। ये स्निप जो होती है ये थोड़ी नैरो कर्व्ड, इसके ब्लेड जो होते हैं थोड़े से पतले और कर्व होते हैं, तो इससे क्या होता है मेटल हमारा बिना बेंड हुए आराम से कट जाता है। अगली आप देख रहे हैं, ये एविएशन सीयर है, ठीक है। ये सीयर जो है ये सभी प्रकार की कटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट भी या फिर राइट या यूनिवर्सल कटिंग ब्लेड इसके हो सकते हैं, लेफ्ट भी हो सकते हैं, राइट भी और यूनिवर्सल भी हो सकते हैं, ठीक है। अगला आप देखते हैं, ये डबल कटिंग सीयर है, ठीक है। डबल कटिंग सीयर जो होती है, देखो चित्र आप लोग देखते चलना है ना, ये काफ़ी आपको हेल्प करेंगे। इस सीयर में क्या होता है, कितने तीन ब्लेड होते हैं, कितने इस सीयर में जो है तीन ब्लेड होते हैं, और इनका यूज़ करते हैं क्या, अराउंड सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए, है ना। जैसे कि केन है, पाइप है ना, पाइप इत्यादि और केन इत्यादि को काटने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, इसमें तीन ब्लेड होते हैं डबल कटिंग सीयर में। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बाकी आप लोगों ने जो हमारा पहले वाला वीडियो था उसमें काफ़ी चित्र देखे हैं, उसमें बोसिंग मैलेट वगैरह है ये सब, ठीक है, देखना। तो इसके क्वेश्चन चित्र से ही आते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रूवर की, ठीक है। उससे पहले भी पिछले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कुछ हैमर के, शीट मेटल हैमर के चित्र बने हुए हैं, ठीक है। उसमें एक आपका एक सेटिंग हैमर है ना, सेटिंग हैमर, उसमें वो थोड़ा सा हमने वहाँ पे थोड़ा कम बताया था, चित्र ही दिखाया था, थोड़ा बहुत बता दिया था। तो इससे क्या होता है कि हम कोई भी शीट मेटल की जो एक बाहरी एज होती है ना, उसको हम सही मतलब इस हैमर से पीट करके उसको सही करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आप देख रहे हैं ग्रूवर, ठीक है। तो ग्रूवर के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। जो हमारा सीम होता है, सीम जो जोड़ होता है हमारा है, ठीक है, उसको लॉक करने के लिए हम इस ग्रूवर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्रूवर यूज्ड फॉर क्लोजिंग एंड लॉकिंग ऑफ सीम्स, जो सीम्स होते हैं उनको लॉक और क्लोज करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये हमारा क्या है, हैंड ग्रूविंग टूल है, यहाँ पे सीम्स बनाई गई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। नीचे जो किस पे रखते हैं वो एनविल हो या होगी या फिर स्टेक होगी, ठीक है। इस पे इसको रखते हैं और हम जॉइंट को लॉक कर देते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेक के बारे में, है ना।
कुछ स्टेक्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्टेक। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, पहली ये हमारी है हैचेट स्टेक, है ना। चित्र से ही आप देखिए, इसमें ये वाला हिस्सा इसका जो है, ठीक है, ये बहुत ही शार्प एज होती है, ठीक है। तो हम सीट को एक किसी एक एंगल पे शार्प तरीके से मोड़ने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके द्वारा बॉक्स और पैंस इत्यादि बनाए जाते हैं, है ना। दूसरी हमारी जो है वो है हाफ मून स्टेक। हाफ मून स्टेक जो होती है, इसका जो प्रयोग होता है, हम एक सर्किल का आर्क बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सीट मेटल आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पट्टी है सीट की, लेकिन इसके हम हैमर से पीट पीट के और इस स्टेक पे रख के इसका हम आर्क बना रहे हैं। देख सकते हैं आप आर्क बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इसकी शेप भी वैसी है ना। ये एक साइड में बेवल होती है, बेवल्ड होती है, ठीक है। तो इससे क्या करते हैं, इससे फ्लैंज और मेटल डिस्क इत्यादि पे वर्क करते हैं। अगला जो चित्र आप देख रहे हैं, ये टिन मैंस एनविल है, ठीक है। क्या है? टिन मैंस एनविल, ठीक है। तो ये क्या होती है एनविल? इसका यूज़ सभी टाइप के जो फ्लैट शेप्ड वर्क होते हैं, है ना, इसकी प्लेनिसिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या? प्लेनिसिंग यूज़ करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, प्लेनिसिंग, PLANISHING, ठीक है। प्लेनिसिंग के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। इसको आप ध्यान से देखिए, है ना। ये टिन मैंस एनविल है। अभी आप आगे देखेंगे टिन मैंस हॉर्स, है ना। सेम ऐसे ही चित्र आते हैं और पूछता है ये कौन सी चीज़ बनी हुई है। तो ये आपका ये है टिन मैंस हॉर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो दो आर्म्स होती हैं, है ना। एक थोड़ी सी बेंड होती है नीचे की तरफ, क्रैंक डाउनवर्ड होती है, और एक स्ट्रेट होती है ना। तो इसमें दो सिरे होते हैं, और इसमें क्या होता है, स्क्वायर होल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, टिन मैन हॉर्स है, और ऊपर ये टिन मैन एनविल है, ठीक है। कभी इनसे कंफ्यूज मत होना, दोनों के चित्र बिल्कुल ही अलग अलग हैं। आगे हम बात करेंगे, ये हमारी है कॉपर स्मिथ स्टेक, है ना। ऐसे व्यक्ति जो कॉपर मेटल के ऊपर वर्क करते हैं, उनको कॉपर स्मिथ कहते हैं। ऐसे सोने पे जो काम करते हैं उनको सुनार या फिर गोल्ड स्मिथ कहते हैं, है ना। तो जो कॉपर है तो उनको कॉपर स्मिथ बोलते हैं। उनकी स्टेक ये होती है, इस तरीके का उस चित्र होता है ना। ये स्क्वायर एज है हमारी, ठीक है। ये हमारी स्क्वायर एज है, और ये दो नंबर जो, ये कर्व एज, दो प्रकार की इसमें एज पाई जाती है। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, दो चीज़ें रखी हैं जिसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, है ये देखिए आप, ये राउंड बॉटम स्टेक है, राउंड बॉटम स्टेक, ध्यान रखिए, ठीक है। इसमें ये हील है, और उसके बाद ये सैंक या बॉडी है ना। ये फेस या हेड या फिर इसको हॉर्न बोलते हैं, ये इस तरीके से है, ठीक। दूसरा हमारा होता है बॉटम राउंड स्टेक, ये सैंक है, और हेड साइड में थोड़ा सा चैम्फर है, देख सकते हैं आप, चैम्फर है ना। तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। इस तरीके से आप देखिए, ये राउंड बॉटम स्टेक, ये बॉटम राउंड स्टेक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं प्लेन डबटेल सीम, ये जो है, ठीक है। क्योंकि सीम्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सीट मेटल की सीम्स होती हैं जो हैं, है ना, जॉइंट उसमें कैसे बनाते हैं, तो उसके बारे में बता रहा है ये।
ये नीचे वाले हिस्से, देखो हम पाइप को इस तरीके से काट लेते हैं, ये नीचे एक हिस्सा हो जाता है, एक हिस्सा ऊपर हो जाता है, नीचे वाले हिस्से टैब्स कहलाते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें फ्लैंज रख देंगे और ऊपर वाले हिस्सों को फिर से हम हैमर की सहायता से, मैलेट की सहायता से इस तरीके से फैला देंगे, ठीक है। ये प्लेन डबटेल सीम है ना। ग्रूव्ड सीम बनाने के लिए देखो इन्होंने स्टेप दिखाया गया है इसमें, है ना। ग्रूव्ड सीम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले मेटल को हम इस तरीके से मोड़ लेंगे और उसके बाद इसे एक दूसरे में इस तरीके से फंसा देते हैं, ठीक है। और जो उनकी विड्थ होती है वो आप देख रहे हैं चित्र में, इस तरीके से उसकी विड्थ को शो किया जाता है, उसकी चौड़ाई को, ये W है वो शो कर रहा है। और सी चित्र में आप देख रहे हैं हमारा सीम बनकर तैयार है और उसको ग्रूवर से दबा दिया जाता है ताकि हमारा सीम लॉक हो जाए और सही से काम करे। ग्रूव ज्वाइंट कैसा होता है आप देखिए, यहाँ पे चित्र में आप देख रहे हैं ये ग्रूव ज्वाइंट है और ये लॉक्ड ग्रूव ज्वाइंट है। दोनों में देखो अंतर क्या है, बहुत ही माइनर अंतर है। देखिए यहाँ तक का ये पोर्शन सब सेम है, मगर आप देख रहे हैं ये हिस्सा यहाँ पे इस तरीके से आया है। अगर इसको इस तरीके से हम कर देंगे यानी कि दबाएंगे ग्रूवर से, तो ये ग्रूव्ड लॉक्ड हो जाएगा, जैसा कि इसमें हो चुका है। देखो ये है ना, ये सिर्फ ग्रूव्ड ज्वाइंट है और ये लॉक कर दिया गया है ग्रूव के द्वारा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा इस चित्र, ठीक है। अब हालांकि इसके ज्वाइंट तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है, बट भी होता है ना, तो स्लिप ज्वाइंट भी होता है जो आपस में स्लिप हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं शोल्डर के बारे में, है ना। तो पहला पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द शोल्डर इज लोअर देन दैट ऑफ द मटेरियल्स बीइंग ज्वाइंट। जब हम शोल्डरिंग की बात करते हैं तो उसमें शोल्डर जो होता है, एक जैसे हम वेल्डिंग करते हैं तो उसमें फिलर रॉड या इलेक्ट्रोड यूज़ होता है, ठीक इसी प्रकार जब हम शोल्डरिंग करते हैं तो उसमें शोल्डर यूज़ होता है, ठीक है। तो शोल्डर में एक खासियत ये होती है कि ये खुद ही पिघलता है, जो हमारा बेस मेटल है उसको नहीं पिघलाता है, ठीक है, और जोड़ देता है आपस में। तो शोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट जो है जोड़े जाने वाले मटेरियल के मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक से सदैव कम होगा, यानी कि शोल्डर का गलनांक कम होगा और जोड़े जाने वाले धातु का गलनांक अधिक होगा, ठीक है। सॉफ्ट शोल्डर, देखो शोल्डरिंग दो टाइप की होती है, सॉफ्ट शोल्डरिंग और हार्ड शोल्डरिंग, ठीक है। जो नॉर्मल हम शोल्डरिंग करते हैं ये होती है सॉफ्ट शोल्डरिंग, और जो हार्ड शोल्डरिंग है उसको हम सामान्यतः ब्रेजिंग कहते हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट शोल्डरिंग जो हमारी होती है वो तो 420 डिग्री सेल्सियस के नीचे होती है, ठीक है, और जो हार्ड शोल्डरिंग होती है वो 600 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होती है, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, हमने शोल्डरिंग की और इनकरेक्ट शोल्डरिंग हो गई, हमारा जोड़ सही से नहीं बना, ज्वाइंट वीक हो गया है ना, उसको हम बोलते हैं, इस दोष को स्कीमिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कीमिंग बोलते हैं, ठीक है। इनकरेक्ट शोल्डरिंग एंड वीक ज्वाइंट जो है तो उसको हम स्कीमिंग बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा एक है स्वेटिंग प्रोसेस, है ना। ये प्रोसेस क्यों कहा जाता है, स्वेटिंग प्रोसेस इज आल्सो अप्लाइड इन रेक्टिफाइंग लीकेज ऑफ वाटर टैंक एंड फ्यूल टैंक्स। जब भी हम सोल्डरिंग करते हैं वाटर टैंक और फ्यूल टैंक में, तो हमें कैसे मालूम होगा कि उसके अंदर दरार रह गई है या लीकेज है या सही से सोल्डरिंग हुई है नहीं हुई है, तो उसके लिए हम स्वेटिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ताकि उसको हम जो लीकेज है उसका पता लगा सकें। आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट है सॉफ्ट शोल्डर क्या होता है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट उसका होता है जो कि लगभग 450 डिग्री सेल्सियस होता है,
और ये किसका मिश्र धातु, किसकी मिश्र धातु होती है वो? टिन और लेड की मिश्र धातु, यानी एलॉय किसका होता है? टिन और लेड का, ठीक है। और एक बात विशेष इसमें है, जब भी हम सॉफ्ट सोल्डर कंपोजिशन की बात करते हैं तो टिन जो है सबसे पहले इसमें रखा जाएगा, सबसे पहले टिन को रखा जाएगा, ध्यान रखिए आप, है ना। इन द कंपोजिशन ऑफ सॉफ्ट सोल्डर टिन इज ऑलवेज स्टेटेड फर्स्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, फॉर कुकिंग यूटेंसाइल्स नॉट यूज लेड, है ना। देखो सोल्डर में क्या होता है, लेड और टिन, टिन और लेड जैसा कि हमने यहाँ पे देखा एलॉय होता है उसका, ठीक है। तो जब भी हम कुकिंग यूटेंसाइल, जो हमारे खाना बनाने वाले बर्तन हैं जिनमें हम खाना बनाते हैं या खाते हैं, उसमें लेड का यूज़ नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिए, क्योंकि लेड जो होता है जहर तरीके से काम करता है वहाँ पे, लेड जो है पॉइजन जैसा वर्क करता है वहाँ पे, पॉइजनस होता है, इसीलिए उसका हम यूज़ नहीं करते हैं वहाँ पे। हम क्या यूज़ करते हैं? यूज़ प्योर टिन ओनली, वहाँ पे प्योर टिन यूज़ करते हैं हम, किसके लिए? कुकिंग यूटेंसाइल के लिए, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए, एग्ज़ाम में कभी आ जाए तो लगा देना। हाँ आगे देखिए, कुछ हमारे पास सोल्डर हैं, है ना, उनके टाइप, उनमें टिन और लेड की कितनी परसेंटेज होनी चाहिए और कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं देखेंगे हम। कॉमन सोल्डर जो होता है नॉर्मल, उसमें टिन, ये परसेंटेज यहाँ पे दे रखे हैं, टिन 50%, लेड 50% है, ये नॉर्मल सीट मेटल एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। फाइन सोल्डर जो है 60% टिन होता है, 40% लेड होता है ना। तो बिकॉज ऑफ क्विक सेटिंग प्रॉपर्टीज एंड हायर स्ट्रेंथ, हायर स्ट्रेंथ के लिए यूज़ होता है ना। अगला है फाइन सोल्डर, इसमें टिन 70% और लेड 30% होता है। दे आर यूज फॉर कॉपर वाटर टैंक्स, हीटर्स एंड जनरल इलेक्ट्रिकल वर्क, है ना। कॉपर वाटर टैंक के लिए और हीटर और सामान्य इलेक्ट्रिक कामों के लिए इसका यूज़ करते हैं। अगला है कोर्स सोल्डर, इसमें 40% टिन और 60% लेड होता है। ये जी आई आयरन सीट के लिए यूज होते हैं, कौन से? ये देखो कोरस सोल्डर जो है, ये ध्यान रखना है इसको, 40% टिन और 60% लेड होता है। जो जी आई सीट, जो हमारे गैल्वनाइज आयरन कॉप जी आई सीट होती हैं, गैल्वनाइज आयरन सीट होती हैं, उनके लिए होता है। एक्स्ट्रा फाइन सोल्डर, इसमें टिन 66% और लेड 34% होता है। ये किसके सोल्डरिंग के लिए यूज़ करते हैं? ब्रास, कॉपर और ज्वेलरी के लिए, है ना। यू टेक्टॉइड एलॉय, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। यू टेक्टॉइड एलॉय जो होता है, ये सोल्डर का प्रकार एक है, इसमें 63% टिन और 37% जो है लेड होता है ना। बाकी यूज इसका जो है कैसे करते हैं? फाइन सोल्डर के जैसा ही इसका यूज़ सेम इस तरीके से ही होता है, ठीक है। यूज़ दोनों का सेम है, परसेंटेज ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं, 3-4% का अंतर होता है, ठीक है। अब सोल्डर है तो उसमें फ्लक्स भी जरूर होगा, तो फ्लक्स की बात कर लेते हैं। फ्लक्स, देखो फ्लक्स इसमें दो टाइप के होते हैं, एक इनऑर्गेनिक फ्लक्स होता है, दूसरा ऑर्गेनिक फ्लक्स होता है, जो आप आगे देखेंगे, ठीक है। जो इनऑर्गेनिक फ्लक्स होता है वो कोरोजिव होता है, यानी कि संक्षारण उसमें हो सकता है, होता है, हो सकता है क्या, संक्षारण होता है, और ये केमिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। केमिकल जैसे ही, तो केमिकली होते हैं समझ लीजिए, ये केमिकली एक्टिव होते हैं और पॉइजनस होते हैं, जहरीले भी होते हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक फ्लक्स जो है कोरोजिव होते हैं, केमिकली एक्टिव होते हैं और पॉइजनस होते हैं, जहरीले, ठीक है। इसमें पहला आपका जो है वो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी एग्ज़ाम में आया था पिछली बार यूपी आर्मी के एग्ज़ाम में, HCl का नाम क्या है? तो म्यूरेटिक एसिड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? म्यूरेटिक एसिड। और इसको यूज़ कहाँ करते हैं? जी आई सीट पर, है ना, गैल्वनाइज आयरन सीट के हैं उस, वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा जो है वो जिंक क्लोराइड है, इसको हम बोलते हैं किल्ड स्पिरिट्स, इसका दूसरा नाम है, इसको याद रखना है, ये थोड़ा
पूछ लेते हैं कभी कभी। जिंक क्लोराइड को बोलते हैं किल्ड स्पिरिट्स, ये कहाँ यूज़ करते हैं? कॉपर, ब्रास और टिन सीटों में। अगला हमारा जो है एल्यूमिनियम क्लोराइड है ना, इसको हम बोलते हैं सेल अमोनियक। ये कैसा होता है? वाइट क्रिस्टल जैसा होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, सफ़ेद क्रिस्टल इसमें होते हैं, यूज़ इन पाउडर फॉर्म और विद वाटर। इसको या तो पाउडर फॉर्म में सूखा सूखा यूज़ कर लेते हैं, या फिर अगर ज़रूरत है तो पानी के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये यूज़ लाइक क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग एजेंट जैसा ये इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं। चौथा हमारा जो है इनऑर्गेनिक फ्लक्स जो है वो है फास्फोरिक एसिड, है ना, उसका हम कहाँ यूज़ करते हैं? स्टेनलेस स्टील पर उसका हम यूज़ करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, एक्सट्रीमली रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे चारों हैं जो फ्लक्स हैं, इनऑर्गेनिक फ्लक्स हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूरेटिक एसिड, जिंक क्लोराइड, किल्ड स्पिरिट, है ना, अमोनियम क्लोराइड, सेल अमोनिका और फास्फोरिक एसिड, ये सारे होते हैं। अगला हमारा जो है वो है ऑर्गेनिक फ्लक्स। ऐसा होता है कि दो टाइप के होते हैं फ्लक्स, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक फ्लक्स क्या होता है? नॉन कोरोजिव होता है और केमिकली इनएक्टिव होता है, मतलब अधिक केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि इसमें जंग भी नहीं लगती, जंग रोधक होता है, यानी कि संक्षारण नहीं होता है, ठीक है। इसमें पहला जो है रेजिनो यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका कलर को होता है एम्बेर कलर होता है इसका, और ये कहाँ से? पाइन के जो पौधे हैं उनके उनसे प्राप्त किया जाता है, पाइन ट्री से प्राप्त करते हैं, ठीक है। इट इज़ अवेलेबल इन पेस्ट और पाउडर फॉर्म, या पेस्ट या फिर पाउडर के रूप में ये उपलब्ध होता है रेजिन, तब इसका हम यूज़ करते हैं। दूसरा जो है टेलो, टेलो ये एनिमल फैट से बनता है, जानवरों की चर्बी जो होती है, ठीक है। तो लेड की जो हम सोल्डरिंग करते हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं, लेड ब्रॉस और पेप्टर की जब सोल्डरिंग करते हैं तो वहाँ पे हम टेलो का यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे अधिक यूज़ जो होता है वो रेजिन ही होता है, ये ध्यान रखिए आप लोग। अब हम बात कर लेते हैं शोल्डर के जॉइंट की, ठीक है। तो शोल्डर का जोड़ जो होता है सामान्यतः इसमें लैप जॉइंट दिखाया गया है, कौन सा? लैप, लैप मतलब चढ़ाव जोड़, ठीक है। तो जो लैप में जो एक दूसरे के ऊपर लैपिंग करते हैं, है ना, तो जो ये विड्थ होती है वो कितना रखते हैं, कितना लैप रखते हैं? 2 से 10 गुना मेटल की थिकनेस का। जैसे मान लीजिए चद्दर की मोटाई 1 mm है ना, इस चद्दर की मोटाई 1 mm है, तो ये चढ़ाव कितना होगा? 2 mm से लेकर 10 mm तक हो सकता है चढ़ाव, ठीक है, इससे अधिक नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। ये देखिए यहाँ पे, और चढ़ाव के बाद में हम देखते हैं गैपिंग कितनी होनी चाहिए। जो गैपिंग आप देख रहे हैं, दो एक मिनट फिर से बना के दिखा रहा हूँ आपको, ये गैपिंग हम बात कर रहे हैं, दो प्लेटों के बीच में जब हम लैपिंग करते हैं तो गैपिंग भी तो होती है, गैपिंग कितनी होनी चाहिए? ये 0.05 से 2.2 mm तक गैपिंग होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिए आप। लैप यानी कि चढ़ाव कितना होना चाहिए, यानी कि ये कितनी होनी चाहिए, ये 2 से 10 गुना होनी चाहिए मेटल की थिकनेस का, और उसके बाद गैप कितना होना चाहिए, ये वाला, ये 0.05 से 0.2 mm तक गैप होना चाहिए, है ना। और थिकनेस आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ऐसे थिकनेस लेते हैं, सीट की थिकनेस है, ठीक है। तो ये लैप जॉइंट है सोल्डरिंग में, आप इसको अगर पूछ लिया जाता है तो आप इसको ध्यान रखना कि लैप जो होता है 2 से 10 गुना होता है मेटल की थिकनेस का, और जो गैप होता है दो चद्दरों के बीच में तो 0.05 से 0.2 mm तक होता है, ठीक है। तो जैसा बताया था हमने, हार्ड शोल्डर जो होता है उसको हम ब्रेजर ब्रेजिंग भी कहते हैं। तो ब्रेजिंग जो होते हैं सामान्यतः हम देखा होगा हमने
जो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है ना, उसकी जो टिप उस पर देखना होता है, देखा होगा आपने सीमेंटेड कार्बाइड की टिप जो है उसको जोड़ देते हैं उस पर, तो ब्रेजिंग जो वो जो उसमें जिस ऑपरेशन के थ्रू जुड़ी होती है उसे ब्रेजिंग ही बोलते हैं। ठीक है, ऐसा लगेगा जैसे वेल्डिंग करके उसको जोड़ा गया है, तो वो ब्रेजिंग कहलाता है। तो उसमें फ्लक्स जो है मैक्सिमम बोरेक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और ब्रेजिंग भी हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है ना। तो उसमें एक प्रकार हमारा होता है सिल्वर ब्रेजिंग, ठीक है। सिल्वर ब्रेजिंग जो होती है उसका टेम्परेचर की जो रेंज होती है वो 600 से 850 डिग्री सेल्सियस तक होती है। कितनी? 600 to 850 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। थैंक यू।